सुनीति अपनी माँ के पास जाती है और न्यू कहने लगी, माँ कि झोली करके मांगू बहन माँ जाई, मेरा रखिए आदर मान सोच के आई। हे माँ, तू अच्छी तरह जानती है कि मेरे कोई संतान नहीं हो सकती, और मेरे संतान तभी होगी जब मेरे पति की दूसरी शादी होगी। मैं अपने पति की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ, अपनी छोटी बहन को अपने पति की रानी बनाना चाहती हूँ। अपनी माँ को राजी कर लिया, वापस अपने महलों में पहुंची राजा उत्तानपाद के पास और न्यू कहने लगी, महाराज आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि एक औरत की बिना पुत्र के गति नहीं होती, हमारा वंश चलाने के लिए कोई भी संतान नहीं है। आप मेरी मानो तो आप दूसरी शादी कर लो महाराज। किस तरह से रानी सुनीति राजा उत्तानपाद को क्या समझाने लगी, सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से। बोली मेरे कहे ते प्यार करवाले, हो सेवा करके पलंग पे कौन सुवावेगा। 8 बजे सी बना रसोई, भोजन कौन खुवावेगा। हांडे चून तेरा हांडे चून, घलिया ढकनी में तू किस पे टूकवावेगा। हांडे चून घलिया ढकनी में तेरे किस पे टूकवावेगा। मैं चली जो स्वर्ग पूरी ने, मैं चली जो स्वर्ग पूरी हो, रोटी कैसी आवे मलाई, ज्यादा गर्म करया जासे, रोटी कैसी आवे मलाई,
सब मक्खन काठिया ज्यादा हाट ठिया जासे ओ सुबह हुई जब मक्खन काढ़ा ए ज्यादा हाट ठिया जासे अरे दही जम की मक्खन काढ लिया ओ दही जम की मक्खन काढ लिया खाली हाथ छोड़ेगा ओ बेबर की पे मेरे पिया बता इसे सजन मेरे कमजोरी त्योर पकड़े जागे थोड़ा दिखे सजन मेरे कमजोरी त्योर पकड़े जागे जो मेरे दिल में पड़ रिया से तू मेरा चोर पकड़ जागा इतना ते पकड़ रिया से कि मैं इतना ही और पकड़े जागा इतना ते पकड़ रिया से कि मैं इतना और पकड़े जागा हो जाता ते टूट जा ओ बहरा हो जाता ते टूट जा तू भट्टा जी पकोड़ेगा ये बेबर की ते मेरे पिया बता किसे दर में रोड़ेगा बेबर की ते मेरे पिया बता किसे दर में रोड़ेगा हो 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 और किस तरह से क्या कहने लगी रानी दिवा देगा जब नक्शा ढीला हो कौन सा बहु दिला देगा जब मेरे नक्शा ढीला हो अरे उस दिन फूटता तेरा घूमड़ा कति पाग के लीला हो लेगा लक्ष्मी चंद दादा लक्ष्मी चंद गुरु जी दोरे जबर बसीला हो